भारतीय रसोई में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनका उपयोग तंत्र मंत्र और ज्योतिष उपायों में किया जाता है। ऐसी ही एक चीज है छोटी इलायची। छोटी इलायची अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि चाय और खाने में स्वाद बढ़ाने वाली छोटी सी इलायची आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकती है? जी हाँ, किचन में मसालों के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली छोटी इलायची ना सिर्फ खाने को दुगना स्वादिष्ट बनाती है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। छोटी इलायची के उपायों से जीवन की बड़ी परेशानियों को कम किया जा सकता है। छोटी इलायची के कुछ टोटके आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इलायची के जरिए अपनी किस्मत को पलट सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए उपाय। अगर आप आर्थिक संकट से परेशान हैं, पैसे आते तो हैं लेकिन पास में टिकते नहीं, तो अपने पर्स में या जहां भी आप अपने पैसे रखते हैं वहां पर 5 हरी इलायची रखें। ऐसा करने पर आय में वृद्धि होती है और पैसे कम खर्च होते हैं। दरिद्रता को दूर करने के लिए उपाय। दरिद्रता दूर करने के लिए किसी दरिद्र असहाय या किन्नर को 1 सिक्का दान करें, साथ ही उसे हरी इलायची खिलाएं। माना जाता है कि ऐसा नियमित तौर पर करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। नौकरी में प्रमोशन के लिए करें ये उपाय। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो एक हरे कपड़े में इलायची को बांधकर रात में तकिए के नीचे रख दीजिए, फिर सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति को दे दीजिए। इससे आपको प्रमोशन मिल सकता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए उपाय। यदि आपका शुक्र कमजोर है तो एक लोटा जल में 2 इलायची डालकर आधा जल होने तक उबालें। अब इसे पानी में मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी का जाप करें। इस उपाय से आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए। यदि आप विवाह योग्य हैं और विवाह में देरी हो रही है तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 2 हरी इलायची के साथ 5 प्रकार की मिठाई गुरु मंदिर में चढ़ाएं। इससे जल्दी ही अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। परीक्षा में सफलता के लिए। परीक्षा में सफलता पाने के लिए शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और 2 छोटी इलायची पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखाएं। साथ ही परीक्षा में सफल होने के लिए प्रार्थना करें। लगातार 3 गुरुवार तक ये उपाय करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, यही हमारी कामना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर लिखें।